किया, क्योंकि एक इतना प्यारा सा गाना आया जिस गाने के क्रॉसिंग लाइन कुछ इस तरीके से। तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं खबरी लाल यूट्यूब चैनल, जो कि हर खबर यह सबसे पहले देता है। जी हाँ, और आज सुबह जैसे ही मैं उठा तो ये हैरान हो गया, क्योंकि एक इतना प्यारा सा गाना आया है जिस गाने के क्रॉसिंग लाइन कुछ इस तरीके से। जी हाँ, मैं आप सब लोग सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कितना प्यारा सा गाना आया कि आप गाना साक्षात सुनेगा तो हैरान हो जाएगा। जी हाँ, यह गाना जिस चैनल पर रिलीज हुआ है, उस चैनल की नाम मैं आपको बताऊं तो उस चैनल का नाम है त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड, और गाने का नाम है कि पटना के परी। जी हाँ, काफी प्यारा सा गाना है, आप इस गाने को सुनिएगा तो साक्षात दंग रह जाएगा, क्योंकि इतना प्यारा गाना आज तक आपने नहीं सुना होगा। गाने की वीडियो की बात की जाए तो वीडियो भी काफी बेहतरीन है, और इस वीडियो में जिन्होंने काम किया है उनका नाम है राज भाई। जी हाँ, राज भाई का यह गाना है। इस गाने की सिंगर की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, इस गाने के सिंगर रवीश राजा और सोनी शिल्पी हैं, जो कि काफी बेहतरीन सिंगर हैं, और इस गाने को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। इस गाने की एल्बम की एक बार फिर से नाम बताऊं तो पटना के परी। जी हाँ दोस्तों, एल्बम का नाम है पटना के परी, और गाना काफी ज्यादा प्यारा है, और आप लोग भी जाइए और इस गाने को कहीं ना कहीं सुनिए त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पर, और भर भर के प्यार दीजिए। वही गाने की अब राइटर की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, इस गाने के राइटर आजाद सिंह है। वही गाने की मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो अमन सिंह इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और गाना काफी ज्यादा प्यारा है। वही की बात करें डिजिटल की तो डिजिटल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का है, और काफी ज्यादा प्यारा गाना रिलीज हो चुका है त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे। तो आप लोग जाइए और इस गाने को प्यार दीजिए त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे, राज भाई को भी प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।